好，苏西来，菜嘞，把它倒。哦，苏西来姐姐，好，बहुत दिन हुआ इधर, कैसे आए? मेरा काम पड़ी हुई है। चलाओ बट, हाँ, बटा है ना, बढ़ जा। जी, सुशीला जी, काय हालचाल चले रहा? सब बढ़िया छे। बढ़िया छे। हाँ, वहाँ खेत में जा रही थी तो वो धसिया जलावनू छे न ट्रैक्टर से हानू छे। सुशीला जी, कचरो तुम क्यों जला रहे हो? कचरो जलाओगे तुम्हारा खेत को खेत का लिए अच्छो नहीं है। और ट्रैक्टर की काई जरूरत छे तुमको? तुम्हारा घर बैल छे या गाड़ी छे? बैल सी हाल घेरा लगा, थोड़ा सो घेरो ही जाएगा। वही कचरो तुम अपना लिए जमीन का अंदर कचरो रहेगा तो वो अपना लिए खेत का लिए खाद बनी जाएगा और वो अच्छा रहेगा। अभी उंडो हाल क्या कहाँ का महीना करानू छे? सुशीला जी, हाल तो उंडो अप्रैल और मई में करानू चाहिए जी। उंडो हाल क्यों करानू चाहिए भाई? सुशीला जी, वो कचरा का जो डंडल छे ने वो जमीन का अंदर रहेगा तो वो दबेला रहेगा तो खाद बनी जाएगा, खाद बनी जाएगा तो वो अपना का फायदा देगा। सुशीला जी, अपनो खेत बराबर हो नहीं तो पूरब से पश्चिम की तरफ करानो चाहिए जी। जी, ऐसा क्यों भला? सुशीला जी, जो पूरब और पश्चिम दिन भर सूर्य की रोशनी छे वो तेज पड़ा तो जमीन का अंदर जो कीटाणु और अंडा छे वो जमीन का बाहर निकले आवे, फिर सूर्य की तेज रोशनी पड़े नहीं तो कीटाणु और अंडा मरी जाए, मतलब समाप्त हो जाए। एकासी उंडो घेराए हवा पण चलावा। जीजी, आरु काई फायदो छे? जीजी, वो जमीन का अंदर चारा का बीज छे वो भी ऊपर आई जाए तो सूर्य की तेज धूप पड़े नहीं ओका कारण वो भी समाप्त हो जाए। जीजी, आरु काई फायदो छे? सुशीला जी, ज़्यादा घेराई जुताई करने से जमीन पोली भी जाए तो वो पानी का ज़्यादा सोखा। जी, ज़्यादा घेराई जुताई करने से पौधा की जड़ न छे ना नहीं वो दूर दूर तक अच्छी फैली जात ना, एकासी पौधों मजबूत रहे। जी, कीटाणु और अंडा मरी जाए तो अपनी दवाई कम लगा और दवाई की बचत हो जाएगा। जैसा डंटल दबेला रहेगा उनको खाद बनी जाएगा तो खाद की बचत भी अपना कम लगा। किरण जी, ये भी हर साल है उंडो हारनू पड़ेगा? जी, पूरो खेत करानो है तो तीसरा साल करान। जी, हर साल करानो है तो अपन खेत का तीन भाग में बांट लेंगे। पहले साल में एना भाग का करांगे, दूसरा साल में ओना भाग का करांगे और तीसरा साल में तीसरा भाग का करांगे। कजी जी, यो मैंने उंडो हाथ देखियो नहीं तो कसो करानू? जी, तुमको कभी हाव घेरी जुताई में देखनु छे? भैया का खेत में हाव चली रहे हो तुमको ले चलो देखियो। खेत में जाया ना, खेत में हाव चली रहो देखी आवा। किरण जीजी, हाँ, खेत में उनका सुख कैलाश भैया। हाँ, सुशीला जीजी का खेत में गहराई जुताई बतावना के लेने लाए। यहाँ मैंने बैल जोड़ी कि हाल से हालियो गहरो कम से कम 6 इंची से 8 इंची उंडो होनी चाहिए। किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, गहरी जुदाई के लिए ना तुमने अच्छे ज्ञान दिया। कैलाश भैया, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमका खेत में गहरी जुताई बतायो। किरण जी, खेत का बारे में कहीं जरूरत लगे तो बोल दियो। चलो ठीक, राम राम, राम।